हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल आज हम करेंगे इंग्लिश में प्रिपोजिशंस के क्वेश्चन आंसर तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज़ आइडियाज़ आर डिफरेंट देन लेनिज नो एरर तो यहाँ पे देखिए देन के बदले फ्रॉम का यूज़ होगा क्योंकि डिफरेंट के तुरंत बाद फ्रॉम का यूज़ होता है ध्यान रखिए कि डिफरेंट के बाद देन का भी यूज़ करते हैं हम लेकिन डिफरेंट के बाद जब नाउन हो जब नहीं तो नहीं करते तो यहाँ पे डिफरेंट के बाद नाउन नहीं है तो इसलिए हम देन का यूज़ नहीं करेंगे फ्रॉम का करेंगे तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे ही वॉज वेरी मच एंगेज इन हीज़ वर्क वेन ही थीव्स एंटर इन टू हिज हाउस एंड टूक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स नो एर तो अब देखिए यहाँ पर इंटू का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना ठीक तो यहाँ पर मतलब अब अगर कोई बिजनेस है जैसे एंटर इंटू सम बिजनेस एंटर इंटू अ कन्वर्सेशन एंटर अपोन अ करियर तो इसमें यूज़ करेंगे लेकिन अगर एंटर इंटू इज हाउस है तो इंटू का यूज़ नहीं होगा तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज रफेन अटैक्ड ऑन हर विद अ डैगर नो एरर तो यहाँ पे देखिए डी पार्ट में ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि अटैक का जब यूज़ होता है तो वर्ब के रूप में होता है तो उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है ना कि मतलब प्रिपोजिशन आएगा तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम नो एरर तो यहाँ पे देखिए अब हमें ऑफ के बदले इन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ऑफ का यूज़ कब होता है जब डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर होता है डिक्लाइन ऑफ ए पार्टी होता है डिक्लाइन ऑफ ए मैन होता है तो इन सब में क्या होता है हमें मतलब ऑफ़ का यूज़ करना पड़ता है और इनका यूज़ कब करते हैं डिक्लाइन ऑफ मोरल डिक्लाइन इन प्राइस तो इन सब में क्या है डिक्लाइन इन का यूज़ होता है तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे वेन आई वॉज़ अवे फ्रॉम होम नो एरर तो अब देखिए यहाँ पर क्या है यस्टरडे सी पार्ट में यस्टरडे के पहले ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले उसमें देखा था पॉइंट में कि यस्टरडे टू डेज बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर यर स्टरडे टूडे टूमारो टू डेज आफ्टर टूमोरो द डे आफ्टर टूमारो इन सब में ऑन इन और एट का यूज नहीं होता है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर फॉर टू कप्स ऑफ कॉफी विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम नो एर तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड के बाद फोर का यूज नहीं होता है क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजेटिव वर्ब है और इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट में द पुअर के पहले अबाउट या ऑफ का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्लेन कर हो रहा है तो कंप्लेन में क्या होता है या तो ऑफ का यूज होता है या तो अबाउट का यूज होता है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है एट क्वेश्चन देखेंगे विदाउट कंसीडरिंग फॉर अ मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी इन ऑल द इम्पोर्टेंट वर्क नो एरर तो यहाँ पे देखिए कि इनके बदले हमें विद का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एंट्रस्ट के बाद क्या होता है somebody with विद तो इन सब में क्या होता है विद का यूज होता है ठीक तो यहां पे क्या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे सम बडी रिपोर्टेड टू मी दैट सुमन हैड फॉलन इन दैल एंड नो बडी हैड ट्राई टू सेव हिम नो एयर तो यहां पे देखिए क्या है इनके बदले हमें इनटू का यूज करना पड़ेगा क्योंकि देखिए फॉल इंटू ए वेल इंटू द रिवर इंटू अ सर्टेन डिविज़न इन टू लाइन इन सब में तो हम क्या करके इंटू का यूज़ करना पड़ता है लेकिन फॉल इनका मतलब होता है कोल्लेप्स होना गिर जाना तो यहाँ पर क्या हमें इंटू का यूज़ करना है ठीक तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है टेंथ क्वेश्चन देखेंगे देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड नो एर तो अब देखिए यहाँ पर क्या है डी पार्ट में लैंड के पहले ऑन का यूज़ होगा क्योंकि जब दो ऐसे जो वर्ड हैं एंड से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशन हम लगा सकते हैं ठीक तो यहाँ पर देखिए इन वाटर है तो ऑन लैंड लिख सकते हैं हम ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन वाटर एंड ऑन लैंड तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट वेंथ क्वेश्चन देखेंगे द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा बट आर्निंग टू सर्ट इन हिंड्रेंस इट फेल्ड नो एरर तो देखिए फोर के बदले हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि गो टू द सिनेमा है गो टू द थिएटर गो टू द सर्कस गो टू स्टेशन मतलब हम गो के साथ टू का हमेशा यूज करते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड और इंटू द रिवर एंड रिटर्न होम नो एयर तो अब देखिए यहाँ पर इंटू के बदले हमें इन का यूज़ करना होगा क्योंकि इन से स्टैटिक कंडीशन का जो है वो पता चलता है जबकि इंटू से मोशन का पता चलता है ठीक तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टीन क्वेश्चन देखेंगे माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज एंड देन हैव डिनर एट अ होटल नो एरर तो अब देखिए ए पार्ट में प्रपोज के बाद टू प्रिपोजिशंस का यूज़ होगा क्योंकि प्रपोज टू सम्बडी सजेस्ट टू सम्बडी रिपोर्टेड टू समबडी इन सब में क्या होता है हम टू का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है टू का यूज़ नहीं है तो हम प्रपोज के बाद टू का यूज़ करेंगे फोर्टींथ क्वेश्चन देखेंगे शी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ विद हर डिबेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट नो एरर। तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट में विद के बदले फ्रॉम का यूज़ होगा क्योंकि फ्री सम बडी फ्रॉम समथिंग एंड फ्री फ्रॉम समथिंग ऐसे होता है तो इन दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा फ्रॉम का यूज करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिफ्टींथ क्वेश्चन देखेंगे माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट देन द ब्लैक वन विच आई यूजली वॉर तो यहाँ पे देखिए देन के बदले टू का यूज होगा क्योंकि प्रेफर्स में जब दो नाउन या ग्राउंड की तुलना होती है तो प्रेफर्स के बाद क्या होता है टू का जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं हम तो यहाँ पे क्या यहाँ पे तुलना हो रही है दो नाउन्स के बीच में तो यहाँ पे क्या होगा हमारा टू का यूज होएगा ना कि देन का तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सिक्सटीन क्वेश्चन देखेंगे ही ऑलवेज इंस्टेड दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे एनी वेयर एट नाइट नो एरर तो अब देखिए यहाँ पर टू के बदले हमें रेदर दैन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर वही हो गया यहाँ पे दो नाउन नहीं है दो नाउन के बीच में टू आता है तो यहाँ पर नाउन नहीं है तो टू नहीं आएगा रेदर दैन का यूज़ करेंगे हम तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेवेंटीन क्वेश्चन देखेंगे ग्लिप्सम्स टू द रिलीजियस साइड ऑफ हिज नेचर अपियर इन द मेजोरिटी ऑफ हिज प्ले नो एरर तो यहाँ पे देखिए टू के बदले ऑफ़ का यूज़ होगा क्योंकि ग्लिप्स जो ग्लिप्स है ग्लिप्स ऑफ गेट कैच ग्लिम्प्स ऑफ मतलब ये ऐसे होता है तो यहाँ पे ऑफ़ का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है एटींथ क्वेश्चन देखेंगे हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट वेन वी वर स्टार्टल्ड बाय द लाउड नॉइज बींग मेड आउटसाइड द हाउस नो एरर अब देखिए यहाँ पे बाय के बदले एट का यूज होगा क्योंकि देखिए स्टार्टल्ड सरप्राइज एस्ट्रॉनिस्ड अमेज ये सब क्या है इसके बाद एट जो है वो प्रीपोजिशन आता है ना कि बाय आता है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखेंगे दे आर अपीयर्स टू बी वेरी लिटल लेजन अमंग द टू विंग्स ऑफ द पार्टी नो एरर तो अब देखिए यहाँ पे अमंग के बदले बिटवीन का यूज होगा क्योंकि सिर्फ दो विंग्स का ध्यान रखिए दो विंग्स है तो दो का मतलब बिटवीन का यूज दो या दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं तो यहाँ पे दो है तो दो अमंग का यूज ज़्यादा के लिए करते हैं और बिटवीन का दो के लिए भी कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी क्वेश्चन देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज ऑफ मिनट्स फ्रेगमेंट्स ड्राइव फ्राम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक नो एर तो यहां पर देखिए कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है ठीक तो यहाँ पे कंजिस्ट ऑफ होता तो लिख देते हैं लेकिन कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन देखेंगे फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द एक्ट ूज मैन वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रोजिमेंट नो एर तो अब देखिए ऑन के बदले हमें ऑफ का यूज़ करना होगा क्योंकि बी गिल्टी ऑफ ए क्राइम मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम ठीक तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखेंगे टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वाज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम नो एरर. तो यहाँ पे देखिए ऑन के बदले हमें विद का यूज करना होगा क्योंकि एंग्री विद समबडी या एंग्री एट समथिंग ऐसे होता है ना कि ऑन होता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन देखेंगे ही लुकड अपॉन मी लेवल आई फोर ए फ्यू मूमेंट्स बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग नो एर और तो अब देखिए ट्वेंटी थ्री में क्या है अपोन के बदले ऐट का यूज़ होगा क्योंकि लुक एट समबी या समथिंग तो हम इस क्या करते हैं ऐट का यूज़ करते हैं ना कि अपोन का तो so, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन देखेंगे द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द्लैक वन नो एर और अब देखिए यहाँ पे देन के बदले हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वही हो जाता है कि फिर हमने फिफ्टीन क्वेश्चन में भी और सिक्सटीन में भी किया था कि नाउन जब हो तो देन नाउन हो तो टू का यूज़ करेंगे और नाउन नहीं होता है तो देन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या है नाउन है तो नाउन है तो हम क्या करेंगे टू का यूज़ करेंगे तो इसलिए ट्वेंटी फोर में सी क्वेश्चन जो सी है पार्ट वो सही हो जाता है 25th no so, अब है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन द स्मगलर यल्डेड फ्रॉम द टेम्पटेशन एंड फेल इन टू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम विच स्केप वॉज इम्पॉसिबल नो एरर। तो अब देखिए यहाँ पे फोर के बदले हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यल्ड टू समबड़ी या समथिंग का मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के आगे आत्मसमर्पण करना तो हम इसका ऐसे तो ये मीनिंग सही हो रहा है तो इसलिए हम टू का यूज़ करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन देखेंगे न्यूमिरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट नो एरर तो अब देखिए फ्रॉम के बदले हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डाई ऑफ अ डिजीज डाई ऑफ अ हंगर डाई फ्रॉम अ वन वाउंड तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हम मतलब ऑफ का यूज करते हैं ना कि फ्रॉम का ठीक तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन देखेंगे द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज अ नोट्रियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया तो अब देखिए यहाँ पे विद के बदले हमें इन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम कैसे लिखते हैं इसको ब्लाइंड इन द राइट आई या द लेफ्ट आई जो भी है तो हमें इसका यूज़ करेंगे अगर ब्लाइंड विद बोथ आईज होता तो हम हमें क्या करते विद का यूज़ करते लेकिन यहाँ पे एक आईज की बात हो रही है राइट right और लेफ्ट की तो यहाँ पे इन का यूज़ होगा ठीक तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन देखेंगे सम पर्सन गेट जॉब इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम नो एरर तो यहाँ पे देखिए फोर के बदले ऑफ़ का यूज़ होगा क्योंकि वर्दी ऑफ समथिंग लेकिन क्वालिफाई फॉर अ पोस्ट होता है वर्दी ऑफ मतलब किसी चीज़ के लिए वर्दी होता है तो के होता है है ना मतलब ऑफ़ होता है लेकिन अगर क्वालिफाइड हो तो फोर यूज़ करेंगे हम तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन देखेंगे द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अबाउट का जो यूज़ है वो नहीं होगा क्योंकि डिस्क्राइब डिस्कस एक्सप्लेन में समथिंग का यूज होता है ना कि अबाउट का तो यहाँ पे क्या होगा ई ऑप्शन करेक्ट थर्टी क्वेश्चन देखेंगे ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा तो अब यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग नहीं करेंगे हम क्योंकि विजिट का प्रयोग जब भी जब वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ना कि टू का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टी वन क्वेश्चन देखेंगे राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज मच शाउट आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट एंड इज इनवाइटेड फॉर वेरियस फंक्शन नो एरर तो अब देखिए यहाँ पे फोर के बदले हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि देखिए वी इनवाइटेड टू अ प्लेस मतलब इनवाइटेड के साथ हम क्या करते हैं टू का यूज़ करेंगे तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टी टू क्वेश्चन देखेंगे हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम नो एरर तो यहाँ पे देखिए फोर के बदले हमें आफ्टर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लुक फोर का मतलब होता है खोजना जबकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना तो अगर पिता बीमार है तो देखभाल ही करेंगे तो लुक आफ्टर लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टी थ्री क्वेश्चन देखेंगे आई एडवाइज हिम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो तो ये क्या है ये पूरा सेंटेंस ठीक है यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्टी फोर क्वेश्चन देखेंगे ऑर्डिनरली वैन इन डिफिकल्टी रे प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल रेदर देन गोइंग अबाउट हियर एंड देयर फॉर एडवाइज नो एरर तो यहाँ पे देखिए रेदर दे के बदले में हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि देखिए अब नाउन लगा होगा तो टू का यूज़ करेंगे और नाउन नहीं लगा होगा तो रेदर दन का यूज़ करेंगे तो काउंसिल क्या है नाउन है एक तो यहाँ पे क्या करेंगे हम टू का यूज़ करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टी फाइव क्वेश्चन देखेंगे दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ आर एडवाइज टू सब्सिट्यूड सचरानी बाय शुगर नो no एरर तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बाय के बदले हमें डी पार्ट में बाय के बदले फ़ोर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट क्या है कुछ चीज है है ना किसके लिए किसी के लिए तो इसको क्या करेंगे हम बाय नहीं बल्कि फोर का यूज़ करेंगे तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टी सिक्स देखेंगे दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम आवर कंट्री इज़ फेसिंग एट प्रेजेंट नो एरर तो यहाँ पे देखिए इनके बदले विद का यूज़ होगा क्योंकि हमेशा देखिए किस में डील इन का मतलब होता है व्यापार करना लेकिन डील विद का मतलब होता है डील विद somebody मतलब किसी व्यक्ति के साथ वर्ताव करना ठीक तो यहाँ पे पूरा एक प्रीपोजिशन से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है तो जो सही सेंटेंस है वो वी को लिखेंगे विद का यूज होगा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्टी सेवन क्वेश्चन देखेंगे द डेबिकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस नो एरर तो अब देखिए यहाँ पे क्या है एडमिट्स है तो एडमिट्स के बाद हमें ऑफ का यूज करना पड़ेगा क्योंकि एडमिट्स ऑफ का मतलब होता है कैन हैव रख सकना लेकिन एडमिट समबडी इन टू अ हाउस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी संस्थान या स्थान आदि का दाखिल करना तो ये गलत सेंटेंस बन जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टी एट क्वेश्चन देखेंगे इन स्पाइट ऑफ बींग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क शी सेव टाइम टू द विजिटर नो एर तो यहाँ पर देखिए टू के बदले में हमें फोर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि समथिंग फॉर सम थिंग सेफ फॉर सम थिंग किंतु सेफ समबडी फ्रॉम सम थिंग तो ये सारा मतलब क्या हो गया ऐसे इस शब्द को ऐसे यूज़ करते हैं तो इसलिए टू के बदले क्या करेंगे फोर का यूज करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्टी नाइन क्वेश्चन देखेंगे माय फादर हैज़ द रिपूटेशंस फॉर बीइंग द शॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज एट लीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनी वन हुट्स टू रेज अ पॉइंट नो एरर तो अब देखिए यहाँ पे फोर के बदले ऑफ का यूज होगा क्योंकि हैव हैव द रेपुटेशन ऑफ डूइंग समथिंग का प्रयोग होता है लेकिन यहीं पे हैव अ रेपुटेशन फॉर समथिंग या मेक अ रेपुटेशन फ़ॉर समथिंग का प्रयोग होना चाहिए है ना तो यहाँ पे क्या होगा मतलब ये हो होगा तो ये गलत हो जाएगा तो इसलिए फोर की जगह पे क्या होगा ऑफ का यूज़ करेंगे हम तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्टी क्वेश्चन देखेंगे डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ गोइंग फॉर बैड टू वर्स नो एरर तो यहाँ पे देखिए क्या है डिस्पाइट के बदले हमें ऑफ का डिस्पाइट के बदले ऑफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डिस्पाइट क्या है इन स्पाइट ऑफ होता है तो इन स्पाइट ऑफ लिख देंगे लेकिन डिस्पाइट के बदले ऑफ़ का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा डिस्पाइट के बाद तो यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 41 क्वेश्चन देखेंगे द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वेट्स स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड हिम नो एरर तो यहाँ पे देखिए अमंग के बदले अमंगस्ट का यूज होगा क्योंकि देखिए ध्यान रखिए अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है साथ ही द के पहले अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग हो सकता है लेकिन यदि द नहीं हो तो अमंग का प्रयोग कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के साथ होगा लेकिन अमंगस्ट का प्रयोग वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ होगा ठीक तो ये ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्टी टू क्वेश्चन देखेंगे द ब्राइट सैड दैट शी वुड नॉट मैरी द मैन ओवर थर्टी फाइव नो एर तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ओवर के बदले हमें अवव का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ओवर अंडर एज का जो प्रयोग है उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन जो अवव बिलो ये सब है ट्वेंटी थर्टी इन सब में यूज़ होता है तो इसलिए अवव का यूज़ करेंगे हम तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्टी थ्री क्वेश्चन देखेंगे द इनविटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरिज विद सुनीता नेक्स्ट मंथ तो अब देखिए मैरिज के बाद विद का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ध्यान रखिए जब हेल्पिंग वर्ब जो होता है जो मेन वर्ब होता है उसमें मैरी के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है ना कि विद या और कुछ और कोई प्रिपोजिशन तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्टी फोर क्वेश्चन देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ थ्री विंग्स द लेगसी एंड जस्टिस एंड द एग्जीक्यूटिव एंड ईच इज इंडिपेंडेंट इन इट्स आउन वे नो एरर तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है ठीक तो यहाँ पे क्या होगा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्टी फाइव क्वेश्चन देखेंगे द काउंसिल डज नॉट होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज और डैमेज टू एनी आर्टिकल नो एरर तो यहाँ पे देखिए लूज के बाद हमें ऑफ का यूज़ करना होगा क्योंकि लूज ऑफ समथिंग जैसे लूज ऑफ ब्लड हेल्थ मनी तो इसका यूज़ भी हमें ऑफ करना पड़ता है ध्यान देने की बात है ये द लूज ऑफ और डैमेज टू माई आर्टिकल तो दो फ्रेजेज या सिंटेस्ट है ये दोनों फ्रेजेज हैं द लूज ऑफ एनी आर्टिकल द डैमेज ऑफ एनी आर्टिकल ठीक तो इनको जोड़ने का काम हो रहा है और से ठीक तो यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्टी सिक्स क्वेश्चन देखेंगे वेन ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट ही वॉज डिबरेट टू सेंड अ लेटर इवन टू हिज वाइफ नो एरर तो अब देखिए यहाँ पे टू सेंड के बदले हमें फ्रॉम सेंडिंग का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि देखिए डैबर एबस्ट्रेन रिफ्रेन इसमें क्या होता है फ्रॉम का यूज़ होता है फिर जो वर्ब होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रॉम सेंडिंग तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्टी सेवन क्वेश्चन देखेंगे वी मे हैव टू अवेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू द रेज री आवर इकोनॉमी बाय अडोप्टिंग अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्लोजर टू आवर नीड्स नो एरर अब देखिए अवेट के बदले हमें क्या अवेट के बाद क्या करेंगे फोर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वेट फोर होता है अवेट फोर नहीं होता है तो यहाँ पर अवेट फोर है तो यहाँ पे क्या हमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे फोर यूज़ नहीं होगा फोर्टी एट क्वेश्चन देखेंगे गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट देमसेल्फ सेल्फ विद एनीथिंग दैट टेंड्स टू अफेक्ट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ आवर स्टेट नो एरर तो यहाँ पे देखिए टू एसोसिएट के बदले फ्रॉम एसोसिएटिंग का यूज होगा ठीक तो यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्टी नाइन क्वेश्चन देखेंगे इट वॉज अपरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ़ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई तो यहाँ पे देखिए फोर के बदले हमें टू का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अपरेंट क्लैर क्लियर एबियस में टू आता है ठीक तो यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी क्वेश्चन देखेंगे शी लुकड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर नो एर तो ये क्या है पूरा सेंटेंस ठीक है ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी वन क्वेश्चन देखेंगे इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क ही सैड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू नो एरर तो यहाँ पे देखिए डी पार्ट में टू का जो यूज़ है वो नहीं करेंगे क्योंकि लिसनिंग टू समबडी ऐसे हम नहीं लिखते हैं ठीक तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा तो प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होते हैं आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा थैंक यू